सत श्री अकाल, यू वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है फरवरी मंथ के इस मंथ मतलब के 13 से लेकर 17 फरवरी तक रिलीज होने वाली सारी 21 बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनमें ज्यादा हिंदी कंटेंट तो नहीं आ रहा है इस हफ्ते, लेकिन हिंदी डब वाली काफी सीरीज एंड मूवीज रिलीज होने वाली है, जिनको ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं जिन्हें बढ़िया वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद होता है। उनके लिए एक नया चैनल आ रहा है जिसपे बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज एक्सप्लेन की जाएंगी हिंदी में, वो भी प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ। और सबसे खास बात, चैनल पर डेली की 2 वीडियोस अपलोड की जाएंगी। उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जल्दी ही इस चैनल पे आपको वीडियोस अपलोड होती हुई मिल जाएंगी। अगर आप भी बढ़िया वेब सीरीज के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। जिसमें सबसे पहले 21 नंबर पे है कोरियन इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज 2521, जो 13 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली कोरियन में ही रिलीज होने वाली है, जिसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ हम देख सकते हैं। जिसमें कहानी एक लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। फिर वो एक लड़के से मिलती है जो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाहता है। फिर आगे इस कहानी में क्या होता है वो इस इंस्पिरेशनल ड्रामा में दिखाया जाएगा। नंबर 20 पे है नेटफ्लिक्स की रोमांटिक ड्रामा मूवी माय ब्राइड, जो 13 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक लड़के की जिसकी नई नई शादी टूट जाती है और वो अभी मिलने वाला है एक लड़की से, तो उस लड़की का ट्रस्ट जीतने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है वही इस कहानी में दिखाया जाएगा। जो रोमांटिक ड्रामा पसंद ऑडियंस है उनको काफ़ी पसंद आने वाली है ये मूवी। नंबर 19 पे है बुक माई शो की इंग्लिश हॉलीवुड मूवी रोड रनर, जो 13 फरवरी को ही बुक माई शो पे स्ट्रीम होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, जिसकी कहानी एक बंदे के ऊपर बेस्ड है जो प्रोफेशन से एक शेफ है और अपने काम के चलते हुए पूरी दुनिया में घूमता है और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस मूवी की कहानी में। नंबर 18 पे है अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड हिंदी डब मूवी अला वेंकटापुरम उल्लू, जो लास्ट मंथ OTT पे रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की ही सुपरहिट मूवी पुष्पा के बाद कुछ ज्यादा ही हेडलाइंस में आ गई। जो रिलीज तो 2019 में हुई थी, लेकिन गोल्ड माइंस की ओर से इसे अब हिंदी डब करके थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन इसके ऊपर ही एक हिंदी रिमेक भी बनने वाली है तो इसकी थिएटर रिलीज को कैंसिल कर दिया गया। जो पहले 6 फरवरी को ढिंचक मूवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने वाली थी, लेकिन अभी उसको भी पोस्टपोन करके वैलेंटाइंस डे के करीब 13 फरवरी को संडे के दिन रात 8 बजे ढिंचक मूवी चैनल पे रिलीज किया जाना है और उसके कुछ दिन बाद गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल में फ्री में देखने को मिल जाएगी, जिसकी अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स देता ही रहता हूँ मूवीज एंड सीरीज को लेके, तो फॉलो करें lockdown.entertainment33 को। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की एक जैपनीज 18+ टीमी ड्रामा वेब सीरीज फिश बॉल वाइब्स, जो 14 फरवरी मीन्स के वैलेंटाइंस के रोमांटिक दिन पे नेटफ्लिक्स पे ओनली जैपनीज एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कुछ मैरिड वाइब्स की जिंदगियां दिखाई जाएंगी जो अपनी मैरिड लाइफ से ना खुश होने के कारण अपनी जिंदगी की लिमिट्स क्रॉस कर देती हैं। अब वो क्या लिमिट्स हैं और आगे उनके साथ क्या होने वाला है इस हॉट एंड स्टीमी सीरीज में देखने को मिलेगा। नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और रोमांटिक ड्रामा मूवी डिवोशन ए स्टोरी ऑफ लव एंड डिजायर, जो 14 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी प्यार और इच्छाओं की होने वाली है। जब एक यंग मैरिड कपल के रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं तो उन्हें एक दूसरे और अपने आप पे भी डाउट होने लगते हैं, जिनकी वजह से अनजान लोगों की एंट्री उनके रिश्ते में हो जाती है। तो देखते हैं एंड क्या होता है इस रिश्ते का या इसकी कहानी का। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की एक साईफाई एडवेंचर रोमांटिक मूवी AI लव यू, जो 15 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी फ्यूचर की होने वाली है। जब एक बिल्डिंग में AI स्मार्ट सिस्टम लगा होता है जो इतना एडवांस होता है कि अपने आप डिसीजन ले सकता है, और फिर ये सिस्टम एक लड़की के प्यार में पड़ने के बाद अपने आप को एक लड़के के दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है, जहां से उस लड़की और इस AI सिस्टम की एडवेंचर भरी प्यार की कहानी शुरू होती है, जिसमें थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलेगा। नंबर 14 पे है नेटफ्लिक्स की एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज रिडली जोन्स का सीजन 3, जो 15 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होने जा रही है, जिसमें कहानी रिडली जोन्स की एडवेंचर भरी होने वाली है, जिसमें उसके पास एक मैजिकल कॉम्पस है और अपनी एक टीम के साथ मिलकर हमें एक एडवेंचर जर्नी पे ले जाने आ रही है। नंबर 13 पे है हांगकांग की एक्शन पैक्ड मूवी लाइन वॉकर, जो अभी 15 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली चाइनीज एंड इंग्लिश में स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें कहानी हांगकांग की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की होने वाली है, जिसे 2 अंडरकवर एजेंट को ढूंढने का मिशन दिया जाता है जिनकी किसी भी देश में कोई पहचान नहीं है। तो उन दोनों को ढूंढते हुए ये लेडी ऑफिसर एक बड़े मिशन पे फंस जाती है, जिसको एक्शन पैक्ड इस कहानी में दिखाया जाएगा।
नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जीन यूज, जो 16 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक इंस्पायर करने वाली कहानी दिखाई जाने वाली है, जब 21 साल पहले एक लड़का एक नए दोस्त से मिलता है और उसके साथ रैपर बनने की जर्नी शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में मूव हो जाता है। तब उनको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है कि उनका ये एक फैसला उनकी जिंदगी को कितनी ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की एक एडवेंचर टीन ड्रामा सीरीज सीक्रेट ऑफ समर, जो 16 फरवरी को नेटफ्लिक्स के इंग्लिश के साथ हिंदी में भी रिलीज होने वाली है, जिसमें कुछ हाई स्कूल टीनेजर्स लड़के और लड़कियां इकट्ठे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, जिसकी कहानी आगे कई एडवेंचर्स और रोमांटिक ड्रामा के साथ आगे बढ़ने वाली है। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की एक रियलिटी शो सीरीज स्वैप शॉप का सीजन 2 आ रहा है 16 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे, लेकिन ओनली इंग्लिश में, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक बंदे के घर में पड़ा हुआ कबाड़ दूसरों के लिए पैसे कमाने का एक मौका होता है, जिसमें कुछ टीम्स होने वाली हैं जो ऐसे ही लोगों के कबाड़ को पैसे में बदलने का हुनर रखते हैं। इस सीरीज में हमको देखने को मिलेगा कि मौका तो हर जगह होता है, बस देखने वाली आँख होनी चाहिए। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की बायोग्राफी इंस्पिरेशनल एडवेंचर मूवी हैरियत, जो 16 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें अमेरिका में रहने वाली हैरियत टबमैन की कहानी होने वाली है, जो एक फ्रीडम फाइटर थी जिसने अपनी गुलामी भरी जिंदगी से आज़ादी तो पाई ही, उसके साथ ही अमेरिका के बहुत सारे लोगों को गुलामी से आज़ादी भी दिलवाई और देश की एक बड़ी हीरो बन गई। उसकी जिंदगी की इंस्पायर करने वाली कहानी को इस बायोग्राफी मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 8 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक बढ़िया हिंदी क्राइम थ्रिलर मूवी अ थर्सडे, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की एक धांसु परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, जो 17 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली हिंदी मूवी है, जिसमें कहानी एक स्कूल टीचर की है जो अपनी क्लास के बच्चों को ही होस्टेज बना लेती है और उसका मकसद होने वाला है इंडिया की प्रधानमंत्री तक पहुंचना। अब ये सब कैसे और क्यों हो रहा है वो हमें इस थ्रिल भरी कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की एडवेंचर हॉरर शॉर्ट फिल्म इरेक्स, जो 17 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक छोटी बच्ची और उसकी आंटी की होने वाली है, जो एक मैजिकल बुक को पढ़ते हुए उसके मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देते हैं। अब आगे उनके साथ या फिर उन मॉन्स्टर्स के साथ क्या होता है वो इस शॉर्ट फिल्म में हम हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब पीरियड ड्रामा थ्रिलर शॉर्ट फिल्म फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस, जो 17 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जो है तो सिर्फ 13 मिनट की ही, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो अपने कम समय में ही हमें थ्रिल से भरने का हुनर रखती है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब शॉर्ट फिल्म हार्ट शॉट, जो भी 17 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिसमें दो लड़कियों की जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी जो एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगती हैं और फिर प्यार में पड़ जाती हैं। नंबर 4 पे है एक एक्शन पैक्ड हिंदी डब मूवी फिस्टफुल ऑफ पेंगुइन्स, जो 17 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जो एक फुल एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की होने वाली है, जिनकी शुरुआत तो एक बदला लेने से होती है, लेकिन आगे चल के उनका ये बदला एक देश को बचाने वाला मिशन बन जाता है और उसमें उनका सामना एक पावरफुल दुश्मन से होने वाला है, जिसको फुल एक्शन भरी कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 3 पे है एक और एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज यंग वॉलैंडर का सीजन 2 किलर्स शेडो, जो 17 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली रिकमेंडेड सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक यंग मैन की है जो पुलिस एकेडमी से पास होने के बाद एक ब्रूटल मर्डर होते हुए देख लेता है और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन में इतना गहरा फंस जाता है जिसमें से उसका निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है, और अब उसके पास एक ही रास्ता है कि इस केस को सॉल्व करना, जो इस सीरीज के सीजन 2 में भी जारी रहने वाला है, लेकिन सिचुएशंस और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं इसके सीजन 2 में। नंबर 2 पे है इंग्लिश रियलिटी शो सीरीज कीपिंग अप विद कार्दशियंस, जो 17 फरवरी को अमेजोन प्राइम पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें अमेरिका की कुछ हॉट टीवी स्टार्स इस एक ही शो में इकट्ठे दिखने वाली हैं। बाकी इसका बेस क्या होने वाला है वो आप इस सीरीज में देख सकते हैं। नंबर 1 पे है रोमांटिक थ्रिलर कन्नड़ा मूवी फैमिली पैक, जिसमें कहानी एक लड़के की जिंदगी की होने वाली है जो अपनी जिंदगी से निराश होकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन फिर एक भूत उसे एक नया जीवन दान देता है उसकी जिंदगी के एक नए मकसद के साथ, जो आगे चल के एक बड़ा मिशन बन जाता है, जो 17 फरवरी को अमेजोन पे ओनली कनाडा में ही रिलीज होने वाली है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान रहें और जितना हो सके घर में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी और खुशी तो अपनों के साथ ही होती है।